संक्रमण की वजह से पूरा शहर लॉकडाउन है, वीरानगी बीत रही है बरेली शहर में। जिन चौराहों पर लगातार भीड़ रहती थी उस पर आज दिखाई नहीं दे रहा है एक भी आदमी, इक्का दुक्का लोग जरूर दिख जाते हैं। शामतगंज के बाजार में व्यापार मंडल के नेताओं की पैरवी के बाद एक दिन 10 से लेकर शाम को 6 बजे तक बाजार खोलने का आदेश जरूर हुआ था, लेकिन जब सोशल डिस्टेंसिंग टूटती नजर आई तो इस एरिया को बैरिकेडिंग करा के सील कर दिया गया है। दुकानें पहले की तरह बंद कर दी गई हैं। एक मजिस्ट्रेट समेत तमाम फोर्स तैनात कर दी गई है, जो सुबह 5 बजे से लेकर 6-7 बजे तक लोग दुकान खोल के माल बेच लेते थे, अब दुकान खोलने को दुकानदार तरस रहे हैं। उधर समाज सेवी लगातार अपने अपने स्टाइल से सेवा कर रहे हैं, गरीबों की तलाश कर रहे हैं, उनके घर तक उनका राशन पानी पहुंच रहा है, फूड पैकेट्स पहुंच रहे हैं, सैनिटाइजेशन का काम बहुत तेज चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ लोगों की अपेक्षाएं नगर निगम से जुड़े पार्षदों से इन दिनों ज्यादा बढ़ गई हैं। कुछ पार्षदों की बात इस खबर में हम सुनवाने जा रहे हैं। आप सुनेंगे कि किस तरीके से गरीब अपने वार्ड से जीते हुए पार्षद के घर पहुंच रहे हैं, सुबह उठ के उसकी कुंडी खटखटा दे रहे हैं, और पार्षदों का कहना तो यह है उनके पास कोई निधि नहीं मिलती, कोई वेतन नहीं मिलता, जबकि विधायकों के पास निधियां भी होती हैं, वेतन भी होता है और रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी मिलती है। विधायकों और सांसदों के पास न जाकर लोग पार्षदों से ज्यादा उम्मीद लगाए बैठे हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट, जुड़े रहिए हमसे, देखते रहिए काम। चलो हटाओ हटाओ, इस समय चलो। मैं शमीम अहमद, पार्षद कुल्हड़ा पीर पानखाना। दोस्तों, मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि लॉकडाउन का पालन करिए और ये कोरोना की चेन को हम घर में रहकर ही तोड़ सकते हैं, अपने हिंदुस्तान को बचा सकते हैं। और एक गुजारिश मैं प्रशासन, बरेली प्रशासन से करना चाहूँगा कि आजकल हम लोगों पे कुछ ज़्यादा ही जिम्मेदारी आ गई है। जनता कहीं पे भी जाती है तो उससे ये कहा जाता है कि आप अपने क्षेत्र के पार्षद के पास जाइए, वो आपको राशन देंगे, वो आपको पैसे से मदद पहुंचाएंगे, और कुछ अफवाह भी उड़ाई जा रही है। तो रात दिन हम क्षेत्र की जनता से के साथ जुटे हुए हैं, पर हमारे पास कोई निधि नहीं है। जो भी कर रहे हैं वो हम लोग अपने पास से, अपने निजी पैसे से कर रहे हैं, और जितना हो सक रहा है बरेली के 80 पार्षद लोग वो काम कर रहे हैं। तो प्रशासन रात दिन बहुत अच्छा काम कर रहा है। हम प्रशासन से ये अपील करना चाहेंगे कि आप हमारी भी सेवाएं लीजिए, क्योंकि हमें पता है कि हमारे क्षेत्र में कौन गरीब है, किसके पास राशन नहीं है, कौन परेशान, किसके पास दवा नहीं है। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अगर हमें साथ में लेकर ये चलेंगे तो जरूरतमंद लोगों के पास सरकारी मदद पहुंचेगी और उनका भी भला होगा, और हमें भी अपनी क्षेत्र की जनता का सहयोग मिलेगा। मैं फिर आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूं कि लॉकडाउन का पालन करिए और इस कोरोना को हर कीमत पे हराना है और अपने देश को बचाना है। जय हिंद। मैं पार्षद यामिन खां, वार्ड 43 नगर निगम बरेली से पार्षद हूं, और मेरे पास डेली गरीब मजबूर सैकड़ों लोग आते हैं जिन्हें खाने पीने की बहुत ज़्यादा समस्या है, और मैं लोगों से मना करता हूँ यहाँ पे भीड़ ना लगाएं, मेरे घर ना आए। आप अपना नाम फोन पे ही नोट करा दें, मैं कोशिश करूँगा आपके घर खाने पीने का जो भी इंतजाम, राशन पानी का इंतजाम कराऊँ, कोशिश करता हूँ मैं उन सब लोगों के घर घर राशन पानी का इंतजाम करके उन्हें पहुँचाता हूँ। और मेरे इसमें मेरी बस्ती के, मेरे वार्ड के लोग मेरा सहयोग करते हैं। सरकार की तरफ से तो राशन कार्ड भी, जिन लोगों के राशन कार्ड नहीं बने हैं उनके राशन कार्ड भी नहीं बन पा रहे हैं। आज भी मैं लगभग 25-30 लोगों के राशन कार्ड ऑनलाइन करा कर लेकर गया, वो नहीं बन पाए।
वहां पे जो वहां के अधिकारी हैं उन्होंने अंदर से बंद कर रखा था, कोई किसी का काम नहीं कर रहे थे और बहुत सारी वहां भीड़ लगी हुई थी। जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो रूल चल रहा है उसे भी फॉलो नहीं कर रहे थे। मैं मुकेश मल्होत्रा, वार्ड 41 से भाजपा का पार्षद हूँ। लॉकडाउन चलते हुए करीब 21 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, जिससे छोटे कमजोर तबके लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। क्षेत्र के मजदूर लोग, दैनिक मजदूरी जो करते हैं, रिक्शा चालक आदि लोग काफ़ी परेशान होकर एक सहायता के लिए हमारे पास आते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई निधि नहीं है, इसलिए हम अपेक्षित सहायता नहीं कर पा रहे। अपने पॉकेट से अपनी अपेक्षा सेवा उनकी नहीं कर पा रहे, कुछ क्षेत्रों लोगों के सहयोग से, कुछ अपनी तरफ से जो भी हम कर रहे हैं वो जो कि काफ़ी नहीं है। सरकार की जो योजना आ रहे हैं उसके बारे में उनको बताया जा रहा है, उसका लाभ जिन लोगों को मिल सकता है उसकी पूरी जानकारी हम लोगों को दे रहे हैं।